ओम शिवपुरी को आपने पुरानी फिल्मों में विलेन का रोल निभाते देखा होगा। 70 के दशक में करीब हर दूसरी फिल्म में दिखने वाले ओम शिवपुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन आज हम आपको इस दमदार अभिनेता और विलेन से आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। राजस्थान में जन्मे ओम शिवपुरी ने अपने करियर की शुरुआत जयपुर में एक रेडियो स्टेशन में काम करके की थी। उस समय सुधा शिवपुरी भी वहां काम करती थी। बाद में ओम शिवपुरी के साथ सुधा से शादी हो गई। ओम शिवपुरी ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद 1971 में ओम शिवपुरी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म आषाढ़ का एक दिन थी। 1974 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने 2 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने 175 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें से ज्यादातर में वो विलन के रोल में नजर आए। ओम शिवपुरी ने 1968 में सुधा शिवपुरी से शादी कर ली थी। दोनों ने मिलकर अपना एक थिएटर ग्रुप भी शुरू किया। इसका नाम दिशांतर था। ओम शिवपुरी ने कई प्ले खुद ही डायरेक्ट किए। इनमें आधे अधूरे, खामोश, अदालत जारी और कोर्ट चालू है काफी पॉपुलर हुए थे। ओम शिवपुरी की पत्नी सुधा भी कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आए। सुधा ने बासु चटर्जी की फिल्म स्वामी से साल 1977 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी अन्य फिल्मों में इंसाफ का तराजू, हमारी बहू अलका, सावन को आने दो, सुन मेरी लीला, बर्निंग ट्रेन, विधाता, माया मेम साहब और पिंजर फिल्में शामिल है। ओम शिवपुरी और सुधा की बेटी रितु शिवपुरी भी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रही। उन्होंने गोविंदा की हिट फिल्म आंखें में लीड रोल निभाया था। इस फिल्म का गाना लाल दुपट्टे वाली बहुत पॉपुलर हुआ था। हाल ही में उन्होंने 11 साल के अंतराल के बाद कमबैक किया। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में वो शिवानी तोमर की मां की भूमिका में नजर आई। आखिरी बार उन्हें साल 2006 में पंजाबी फिल्म एक जिंद एक जान में देखा गया था। हालांकि ये भी हमारे बीच नहीं है। इनका निधन 1990 में 52 साल की उम्र में हो गया था। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया, जिन्हें आज भी उनके फैंस याद करते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।